Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concept will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. Good morning to my dear students. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स का सेकेंड पार्ट, आइसोमर्स में जो कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आपका देख चुके हैं. दूसरा पार्ट है हमारा पार्ट टू, स्टीरियो आइसोमर्स. ये अकर क्यों होते हैं? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन स्पेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या 3D, ये इसकी डेफिनेशन है. और स्टीरियो आइसोमर में हम लोग स्टार्ट करते हैं. दो पार्ट की हमने बात की थी. सबसे पहला पार्ट है हमारा GI. GI मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. अब GI और OI दोनों की बात करेंगे, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करते हैं. तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर और कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए जैसे हम मान लो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर. जब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होता है तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं. एक होता है sp3 और दूसरा होता है dsp2. sp3 के केस में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है टेट्राहेड्रल. इसमें आता है dsp2 में स्क्वायर प्लेनर. तो सब तो टेट्राहेड्रल, जैसे कि मान लो कोई एक मेटल है सेंट्रल मेटल और उस पर हम लोग चार लिगेंड्स लगा रहे हैं. इनको इस तरह से कनेक्ट करते हैं और ये ज्योमेट्री आप लोग पहले भी पढ़े ज्योमेट्री और शेप के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग में 109.5 डिग्री का एंगल होता है. इधर ये सेंट्रल मेटल है, चार लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर. अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारा कि GI कौन सा शो करता है, टेट्राहेड्रल शो करेगा या स्क्वायर प्लेनर शो करेगा. तो यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो GI ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि GI जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर हमारा GI शो करेगा. दूसरा, अब हम बात करें एक एक करके एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है ना. तो जैसे मान लो सपोज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए, एनी टू आइडेंटिकल लिगेंड, एनी टू आइडेंटिकल लिगेंड एट 180 एंगल, 180 डिग्री, देन ट्रांस आइसोमर एंड व्हेन टू आइडेंटिकल या फिर हम बोले ऑल आइडेंटिकल की बात कर सकते हैं, ऑल आइडेंटिकल लिगेंड एट 90 डिग्री देन सिस आइसोमर.
जैसे मान लीजिए ये सेंटर मेटल एटम है और इधर हम लोग इस तरह से कुछ बना लेते हैं, मान लो वन नंबर ले लिया इसे, टू नंबर, थ्री नंबर और फोर नंबर, यानी वन टू नंबर मतलब यानी कि लिगेंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वन और टू के बीच, टू और थ्री, थ्री और फोर, फोर एंड वन, यदि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो वो क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। वन थ्री टू एंड फोर के बीच में 180 होता है देन ये क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांस कब होगा और सिस आइसोमर कब होगा। पहला सिंपल केस की बात करें तो अब हम लोग स्क्वायर प्लेनर में वन बाई वन टाइप के लेते हैं कि कौन कौन से स्क्वायर प्लेनर हमारे जी आई सो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, पहला है एम ए फोर टाइप कॉम्प्लेक्स, टाइप कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ए जो है दैट इज अ मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एटम या ग्रुप होगा वो एक लोन पेयर को डोनेट करके किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। एम यहाँ पर क्या चीज़ है, दैट इज अ सेंट्रल मेटल एटम। अब जैसे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जी आई सो करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमने एम लिया, इसको रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने ए ए और ये। अब चाहे हम इधर रोटेट करें एक दूसरे को या फिर इधर करें, क्या कोई और नया स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई स्ट्रक्चर इसके अलावा नहीं बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो कोई आइसोमर नहीं बनेगा, मतलब नो जीआई, यानी ये जीआई नहीं दिखाएगा। जैसे एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल मान लो हम ले लेते पी टी एन एस थ्री का होल फोर सी एल टू। अब जैसे पी टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, टू आ रहा है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5D8, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर चार हुआ। इसकी हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आएगा DSP2, DSP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर प्लेनर होते ही जी आई सो कर देगा। स्क्वायर प्लेनर किस टाइप का होगा तब जी आई सो करेगा, नहीं तो एम ए फोर टाइप का है तो वो जी आई सो नहीं करता है। अब दूसरा हम लेते हैं एम ए थ्री बी टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए थ्री बी टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम लोग मान लो इसके भी हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल लिख सकते हैं पी टी एन एस थ्री का होल थ्राइस सी एल और ब्रैकेट्स के बाद सी एल, ये आपका आया। और यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो सबसे पहले जो ए थ्री है तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं, दो ए, तीन ए हो गए, बी हो गए, इनके हम लोग पेयर बना लेते हैं इस तरह से। अब इसका एक पेयर तो ये बन गया, इसके अलावा कोई और चेंजेस हम कर नहीं सकते हैं। जब इसका कोई और चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी जी आई नहीं होगा, यानी डज नॉट सो जी आई। एग्जाम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम स्ट्रक्चर से भी बना के देख सकते हैं, मान लो ये ए है, इधर हम लोगों ने बी लिया, इधर ए लिया। अब इसको रोटेट करें या इसको रोटेट करें, कोई भी करें, चेंजेस नहीं आ रहा है तो एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये जी आई सो नहीं करेगा। जबकि ये स्क्वायर प्लेनर है, इसका भी जो ज्योमेट्री आएगी वो डी एस पी टू ही आएगी, लेकिन स्क्वायर प्लेनर होने के बावजूद भी एम ए थ्री बी टाइप का जो होगा वो आपका जी आई सो नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड हम लेते हैं एम ए टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो ए और बी हैं वो क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेते हैं बी और बी, एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर क्या बन सकता है वो भी बना लेते हैं अपन, ए बी और दूसरा ए बी, ठीक है, दो पेयर बन गए। इसका मतलब जी आई हो गए, नंबर ऑफ जी आई, नंबर ऑफ जी आई कितने होंगे, यहाँ पर दो होंगे, एक ये हो गया एक आपका ये हो गया। इनके स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एम यानी कोई सेंट्रल एटम होगा, ए
ए बी और बी। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के, ये दोनों सेम हैं, इन दोनों के बीच में 180 एंगल है, यहाँ पर भी दोनों सेम है 180 एंगल है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस हो गया। दूसरा बनाते हैं हम लोग ए बी, ए बी, अब इन दोनों के बीच में 90 एंगल हो रहा है, इन दोनों के बीच में 90 एंगल हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया सेस आइसोमर। एग्जांपल लिखना चाहें तो इसके लिए कोई भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, पी टी एन एस थ्री का होल ट्वाइस और सी एल टू, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। जहाँ पे हमने एम दिखाया वहाँ पे आप पी टी दिखा सकते हैं, और ए की जगह पे आप एन एस थ्री ले सकते हैं, बी की जगह पे आप सी एल टू ले सकते हैं। तो इस तरह से एम ए टू बी टू टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो नंबर ऑफ जीआई कितना देगा, दो देगा। फोर्थ हम टाइप लेते हैं एम ए टू बी सी टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए टू बी सी टाइप कॉम्प्लेक्स। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं बी सी, ये लिख लिया आपने, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यानी पहला पेयर हमारा ये बना। अब जरूरी नहीं बार बार हम स्ट्रक्चर बना, बस सेस और ट्रांस आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा हम लेते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं ए बी और ए सी, ये दो पार्ट हो गए, इसके अलावा कोई थर्ड पार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट हुए। अब ए ए ये हमारा क्या हो गया ट्रांस हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया सेस। आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल एग्जांपल आप ले सकते हैं पी टी एन एस थ्री का होल ट्वाइस सी एल और बी आर। अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी टी एन एस थ्री, एन एस थ्री सी एल वगैरह बी आर। तो ये आप दोनों देख रहे हैं, तो ये पार्ट कौन सा हो गया हमारा ट्रांस हो गया, पी टी एन एस थ्री सी एल एन एस थ्री और बी आर। तो ये अपना कौन सा हो गया सेस वाला पार्ट हो गया। तो ये यानी नंबर ऑफ जी आई की हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ जी आई जो आएगा वो कितना आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, क्योंकि दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, तो इस तरह से दो आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट भी है जेई वगैरह में, जेई मेडिकल तीनों में, सी टी में, तीनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एम ए बी सी डी टाइप बोल सकता है, या फिर एम एक्स वाई जेड कुछ और भी ले सकता है, एम ए बी सी डी, एम एक्स वाई जेड, एम कुछ भी बोल सकता है। तो वो कहेगा इतना कितने नंबर ऑफ जी आई बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी डी है क्या चीज़ सारे के सारे, ये आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। अब इसके पेयर बनाते हैं ए बी सी डी, एक दूसरे हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, उस तरह से आप देख सकते हैं ए सी और बी डी। थर्ड हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें ए डी और बी सी, ये तीन चेंजेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो यानी नंबर ऑफ जी आई की अगर हम बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ जी आई यहाँ पर आएंगे वो टोटल कितने आ रहे हैं, थ्री आ रहे हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि थ्री जो आते हैं उसमें दो तो क्या होते हैं सिस होते हैं, और एक क्या हो जाता है हमारा ट्रांस हो जाता है। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने एम ए बी सी डी टाइप लिया था, तो जो पहला हमारा पेयर था ए बी था, देन सी डी था, दूसरा पेयर जो था वो आपका ए सी बी डी, और थर्ड जो था ए डी एंड बी सी। अब इनको क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला एम
ए बी सी डी ए सी बी डी ए डी और बी सी। अब कौन सा सेस है, कौन सा ट्रांस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी के अक्रॉस देखेंगे, यानी एसी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस देखते हैं। तो अब ए और सी 90 एंगल पे, तो ये हमारा क्या हो गया, सिस हो गया। ए और सी किस एंगल पे हैं, 180 पे हैं, तो ये हो गया ट्रांस। ए और सी किस पे हैं, 90 एंगल पे हैं, तो ये हो गया सिस। तो इस तरह से देख रहे हैं, दो सिस हो गए, एक क्या हो गया ट्रांस हो गया। अब कोई कहता है कि सर मैं एसी के अक्रॉस नहीं देखना चाहता हूँ, मैं एबी के अक्रॉस देखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप एबी के अक्रॉस देख लीजिएगा। ए और बी क्या है, 180 है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस। ए और बी ये 90 है, तो ये हो जाएगा सिस। ए और बी, ए बी हो जाएगा आपका सिस। तो इस केस में भी कितने बन रहे हैं, दो सिस बन रहे हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि एम ए बी सी डी टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो तो कितने नंबर ऑफ जी आई देता है, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा, 3, जिसमें कि दो आपके सिस होंगे, एक क्या होगा ट्रांस होगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जी आई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देख रहे थे, जो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, और सभी में हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। अभी बाइडेंटेड भी और मोनोडेंटेड भी कॉम्बाइन करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, एम ए ए का होल ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्स, चार्ज आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब यहां पर जो ए ए लिया है, दैट इज द, ये क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, दोनों को यूज करेंगे, सिमेट्रिकल भी करेंगे और अनसिमेट्रिकल भी करेंगे। तो अब देखो, इसके लिए हम ज्योमेट्री बनाते हैं, ए ए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको चेंज करें या इधर चेंज करें, कोई भी चेंज करें, एक ही स्ट्रक्चर हमारा बनेगा। तो इसका मतलब एम ए ए टाइप का, तो यहाँ पर आपने देखा इसका कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, डज नॉट शो जी आई। दूसरा केस लेते हैं हम लोग, एम ए बी का होल ट्वाइस। अब ए बी जो है यहाँ पर, चाहे कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनरी है। अब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, एम एम यानी कि सेंट्रल मेटल, ए बी इस तरह से कंबाइन करेंगे, ए बी, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, इसको यहीं पर रहने देंगे, इधर आपका बी आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा। तो ये आपका सेम आ रहे हैं दोनों, यानी 180 एंगल पे, तो ये क्या हो गया ट्रांस हो गया, और ये क्या हो जाएगा सेस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जी आई कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ जी आई यहाँ पर हो गए 2। तो ये नंबर ऑफ जी आई 2 हो गए, यानी कि जी आई सो करेगा। अब थर्ड केस लेते हैं, एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि ए बी जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और जो अपने सी एंड डी जो हैं ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया आपका,
4 हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही बात करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे होनी चाहिए, DSP2 होनी चाहिए और स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, तभी GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में GI शो नहीं करता है। तो अब इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसके कितने GI होंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, एम ए बी सी ओ डी। तो इनको इनको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। ये आपका ए बी हो गया, इधर डी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कितने GI हो गए आपके, नंबर ऑफ GI आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ GI कितने हो जाएंगे, 2। अब डिपेंड करता है कि आप ए बी के अक्रॉस देखते हैं या AC। मान लो मैंने AC के अक्रॉस देखा है A और C, तो ये आपका हो गया सिस, और इधर AC के अक्रॉस देख रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस। तो इस तरह से आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में GI कौन कौन से कंपाउंड हमारे कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको डायरेक्टली आपके जो दिमाग में रखना है वो हम देखेंगे क्या एम ए टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए टू बी सी टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स और एम ए बी का उल्टवाइज टाइप कॉम्प्लेक्स, एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपने 5 कॉम्प्लेक्स देखे हैं, जिसमें कि ये जो 3 हैं वो हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ हैं और ये आपके बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ में है। तो ये जो 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं ये GI शो करते हैं, सो GI। अब कब करेंगे, जब इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी सिंपल सा लॉजिक आपके दिमाग में, वो सब चीज देखना आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन एट लास्ट जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको दिमाग में होना चाहिए एम ए टू बी टू टाइप, एम ए टू बी सी टाइप, एम ए बी सी डी टाइप, एम ए बी का उल्टवाइज, एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स जो होंगे वही हमारे GI से करेंगे। जहां पर भी आपको इन केस ऑफ बाइडेंटेड की बात करें, सिमेट्रिकल यदि मिल जाता है तो वो GI से नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट हमारा खत्म हुआ GI, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। आपको ध्यान में रखना है कि टेट्राहेड्रल नहीं शो करता है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारा शो करेगा, लेकिन सारे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेंगे ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने एम ए 4 टाइप का देखा था, एम ए 3 बी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखे थे, ये स्क्वायर प्लेनर थे लेकिन ये GI शो नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी। कई बार JEE में, मेडिकल में और CET में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितने कितने टाइप के GI शो करेगा कि नहीं करेगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारा JEE में पहले आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट योर केमिस्ट्री डाउट टू गेट इट सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।